हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? सो फ्रेंड्स, आज मैं लेकर आया हूँ अनदर एडमिशन रिलेटेड अपडेट, और ये मेरा आज का सेकंड वीडियो है। और इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ रिगार्डिंग द BE/BTECH इंजीनियरिंग कोर्सेज फॉर द एडमिशन इन वेरियस गवर्नमेंट एज वेल एज प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स इन JNK UT। जिन स्टूडेंट्स ने BE/BTECH का जो फॉर्म फिलअप किया था, उसके बारे में ये अपडेट कुछ निकल के आ रही है आज जेके बॉपी के थ्रू। और एडिटिंग ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म एंड अपलोडिंग ऑफ द 12th क्लास मार्क्स कार्ड ऑफ रिजल्ट अवेटेड कैंडिडेट्स फॉर एडमिशन टू BE/BTECH इंजीनियरिंग कोर्सेज 2022। अब इन्होंने क्या किया है कि इन्होंने बोला कि एडिटिंग के लिए आपको ये टाइम पीरियड दे रहे हैं कि आप अपना फॉर्म जो आपने फिलअप किया था वो आप उसको एडिट कर सकते हो और उसमें अपलोड कर सकते हो अपने 12th क्लास के मार्क्स कार्ड जिनका कैंडिडेट्स का रिजल्ट अवेटेड था उस टाइम पे, जिन्होंने वो फॉर्म फिलअप किया था उस टाइम पे, तो उन्होंने रिजल्ट अवेटेड करके भरा था। अब फ्रेंड्स, जो मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है, हो सकता है मैं गलत भी हूँ। अब इशू क्या आ रहा है, जेके बोपी ने इसलिए ये जो फॉर्म्स डिले कर रहे हैं क्योंकि 12th के उस टाइम तक रिजल्ट आए नहीं थे। अब क्या हो रहा है कि नंबर ऑफ़ फॉर्म्स जो फिलअप हुए हैं, मुझे जहाँ तक लगता है कि इन्होंने एंट्रेंस नहीं कंडक्ट करवाना है, ठीक है, दिस ईयर दे आर गोइंग टू सिलेक्ट द कैंडिडेट एज पर द मेरिट बेस। अब मेरिट बेस के लिए आपको 12th के बेसिस पे ये इंजीनियरिंग की सीट्स देंगे। अब 12th के मेरिट बेसिस पे आपको 12th के मार्क्स होना इम्पोर्टेंट है, लेकिन 12th के मार्क्स कैंडिडेट्स ने उस टाइम फिलअप नहीं किए थे क्योंकि उन्होंने अर्ली ये फॉर्म निकाल दिया था उस टाइम पे। फॉर्म उस टाइम पे रिजल्ट्स आर नॉट आउट ऑफ द 12th बेस। अब ये बोल रहे हैं, मांग रहे हैं वो रिजल्ट्स। अब जब ये रिजल्ट्स इनके पास पहुँचेंगे, फिर ये प्रोविजनल मेरिट लिस्ट निकालेंगे एज पर द परसेंटेज ऑफ द 12th क्लास, और उसके बाद फिर वो आपकी सीरीज निकलेगी, फिर काउंसलिंग कंडक्ट होगी। ऑन द बेसिस ऑफ डैट दे आर गोइंग टू गिव द एडमिशंस और अलॉट द कॉलेज टू द कैंडिडेट्स ऑफ JNK UT फॉर द BE/BTECH इंजीनियरिंग कोर्सेज। और मैं आपको फ्रेंड्स एक चीज़ और बता दूं कि नंबर ऑफ जो कॉलेजेस हैं जेके बोपी के थ्रू जो एडमिशन लेते हैं हर साल, एक तो आपका GCT आ गया, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, ये भी दो टाइप के हैं, एक आ गया आपका जम्मू में, एक आई थिंक गांधरबल में है, ठीक है। उसके बाद आपके प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स आ जाते हैं, श्रीनगर में आई थिंक SSM है एक इंजीनियरिंग कॉलेज प्राइवेट, उस जो बोपी के अंडर आता है, और उसके बाद आई थिंक एक आपका MBS कॉलेज है, मंत बजीतर सिंह कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, ये आपका आता है इसके अंडर में, और आपका उसके बाद YCT योगानंदा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी वाला कॉलेज आता है। उसके बाद माइट का मुझे श्योर नहीं है कि माइट जो कॉलेज है वो इसके अंडर अभी आता है क्योंकि वो ऑटोनोमस हो गया। अब इस बार वो JKBOPI के अंडर है कि नहीं है, आई एम नॉट श्योर अबाउट डैट, ठीक है। ब्राउचर एक बार थोड़ा देखना पड़ेगा, ब्राउचर में उन्होंने क्या मेंशन किया, नंबर ऑफ कॉलेजेस क्या मेंशन किए हैं, मुझे उसका श्योरिटी नहीं है, लेकिन मोस्ट ऑफ द प्रेफरेंस जो कैंडिडेट्स जो देते हैं वो देते हैं आपके GCT, जो सबसे पहले जो नियर बाय जो कैंडिडेट्स जो सबसे पुराना GCT है वो है आपका जम्मू में, ठीक है। इसको फर्स्ट प्रेफरेंस में लोग रखते हैं क्योंकि आपके फ़ीस स्ट्रक्चर भी रहता है, इधर हॉस्टल फैसिलिटी भी अवेलेबल है, तो सबसे बेस्ट रहता है कि अगर आपको कोई चांस मिले तो आप GCT जम्मू को प्रेफरेंस दीजिए। इसमें 5 ब्रांचेस हैं, ठीक है, मैं आपको ये बता देता हूँ। इसमें सिविल है, इसमें मैकेनिकल है, इसमें कंप्यूटर है, CSE है, ठीक है, 3। उसके बाद इसमें जो ब्रांच नेक्स्ट निकल के आती है वो आती है इलेक्ट्रिकल, ठीक है। उसके बाद इसमें जो सीट 5th ब्रांच निकल के आती है वो है ENC, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन। तो ये ब्रांचेस हैं, और मोस्ट ऑफ द जो कैंडिडेट्स होते हैं जो प्रेफरेंस में जो वो देते हैं वो अगर JNK की बात करें तो वो सिविल में, इलेक्ट्रिकल में, ठीक है, वो प्रेफरेंस देते हैं। उसके बाद फिर आप ये मान के चलिए कि मैकेनिकल में भी कई कैंडिडेट्स देते हैं क्योंकि इसमें गवर्नमेंट सीट्स की अच्छी अपॉर्चुनिटी है इन 3 ब्रांचेज में, अगर हम स्टेट गवर्नमेंट की बात करें तो। हाँ, फिर लोग CSE को आजकल प्रेफरेंस दे रहे हैं क्योंकि आजकल IT सेक्टर काफ़ी बूम है, लेकिन वो प्राइवेट सेक्टर्स में है। CSE की अगर मैं बात करूँ, अगर आप प्राइवेट सेक्टर में जाना चाहते हैं तो CSE को प्रेफरेंस दे सकते हैं, अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर में जाना चाहते हैं स्टेट में तो आप सिविल, इलेक्ट्रिकल एंड आपका मैकेनिकल। तो मैं इन ब्रांचेस को प्रेफरेंस करने के लिए अपने पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बोलूँगा, अब इन ब्रांचेस में आप अपनी एडमिशन्स ले सकते हैं। दिस आर द वेरी गुड ब्रांचेस, स्पेशली JNK पॉइंट ऑफ व्यू से मैं अगर बात कर रहा हूँ तो।
आप इन ब्रांचेस को प्रेफरेंस दीजिए, और उसके बाद अगर प्राइवेट सेक्टर में देखें तो फिर आप सीएससी को दे सकते हैं, नो डाउट अबाउट डैट। ठीक है, पर्सनल ओपिनियन है जो आप, बाकी आपकी आपकी चॉइस है। और अब मैं इस नोटिफिकेशन के थ्रू अगर मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, अब इन्होंने ये लिखा है, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म्स आर इन्वाइटेड फॉर द कॉमन एंट्रेंस टेस्ट सीईटी फॉर बी बीटेक कोर्सेज 2022 इन वेरियस गवर्नमेंट एंड प्राइवेट कॉलेजेस इंस्टीट्यूट्स। एज पर द नोटिफिकेशन नंबर, द कैंडिडेट्स वर अपीयर इन द 12th क्लास एग्जामिनेशन फ्रॉम एनी बोर्ड वेयर आल्सो एलिजिबल टू अप्लाई द ऑनलाइन फॉर द सेट कोर्सेज। इन्होंने बोला था जिनके अभी 12th के रिजल्ट नहीं आए थे उनको भी इन्होंने अलाउ कर दिया था। नाउ आफ्टर डिक्लेयरिंग द रिजल्ट बाय द जेके बोर्ड, ठीक है, इक्विवेलेंट बोर्ड्स कैंडिडेट्स हु हैव अप्लाइड ऑलरेडी अप्लाइड थ्रू ऑनलाइन मोड आर एडवाइज टू अपलोड, देखिए 10+2 मार्क्स कार्ड इशूड बाय द रिस्पेक्टिव बोर्ड, एंटर देयर मार्क्स कार्ड डिटेल्स बाय एडिटिंग द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। ठीक है, ये आप एडिट कर सकते हो अपने फॉर्म को अब लॉग इन होकर, और एडिट का टाइम इन्होंने दिया है आई थिंक 6 डेज का, इन्होंने अभी ये टाइम दिया है 10th ऑफ अगस्त से लेकर 16th ऑफ अगस्त तक ये टाइम पीरियड ये दे रहे हैं। एंटर देयर मार्क्स कार्ड डिटेल बाय एडिटिंग द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म और विच इंक्लूड्स मैक्सिमम मार्क्स, टोटल मार्क्स ओबटेंड इन फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स सेपरेटली। तो आपको PCM की भी आपको फिजिक्स केमिस्ट्री और इसके अपलोड अलग से भी करने पड़ेंगे, टोटल मार्क्स भी अपलोड करने पड़ेंगे और मार्क्स ऑब्टेन जो आपने किए वो भी करने पड़ेंगे। ठीक है, एट अप्रोप्रिएट प्लेस इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, और जो टाइम पीरियड उन्होंने इसमें दिया हुआ 10 to 16 अगस्त के बीच में। नो फ्रेश एप्लीकेशन फॉर्म शैल बी एक्सेप्टेड, उन्होंने बोला कोई एक्सेप्ट नहीं करेंगे, नया फॉर्म कोई एक्सेप्ट नहीं करेंगे। नो मार्क्स कार्ड शैल बी एक्सेप्टेड बाय द बोर्ड फिजिकली, फिजिकली आप ये कोई भी अपलोड जाके उधर सबमिट नहीं कर सकते हो, और थ्रू ईमेल भी इसको सेंड नहीं कर सकते हो, आपको ये खुद ऑनलाइन लॉग इन होकर आपको अपलोड करनी पड़ेंगे ये सारे मार्क्स। एनी कैंडिडेट हु फेल टू एडिट और हिज और एप्लीकेशन फॉर्म डिड नॉट अपलोड मार्क्स कार्ड विद इन द लास्ट डेट जो रखी है ना 16th ऑफ अगस्त फिक्स बाय द बोर्ड, his or her candidate shall be automatically cancelled and shall not be considered to participate in the counseling process admission in any case। अगर आप ये अपलोड नहीं करते हो तो वो आपके फॉर्म को रिजेक्ट कर देंगे और आपको काउंसलिंग में बैठने नहीं देंगे। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप, यू हैव टू डू इट, यू हैव टू कंप्लीट योर एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन फॉर्म नहीं बोल सकते, एडमिशन फॉर्म बोल लीजिए। अगर नहीं करेंगे तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, तो इसको मेक श्योर कर लीजिए। और कैंडिडेट्स आर वॉन्ट नॉट टू अटेम्प्ट टू टेक एनी मेक एनी चेंजेस इन देयर ऑलरेडी सबमिटेड ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, इफ एनी कैंडिडेट फाउंड इट टू डू सो ही एंड शी विल बी डिबार्ड फ्रॉम द काउंसिलिंग। बाकी कोई चेंज आपने नहीं करना है, अगर आप और कोई चेंज करने की कोशिश करते हो तो वो आपको काउंसिलिंग से बाहर कर देंगे। सिर्फ जो इन्होंने बोला है, क्या क्या बोला है मैं रिपीट दोबारा से कर देता हूँ, मैक्सिमम मार्क्स, टोटल मार्क्स मतलब मार्क्स ऑब्टेन फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स, ये चीज़ें ही आप चेंज कर सकते हो। बाकी कोई चेंज करने की कोशिश करोगे तो वो आपको के फॉर्म को कैंसिल कर देंगे, तो ध्यान रखिएगा इन चीज़ों का। अब आपको इंस्ट्रक्शंस दी गई है कि आपको ये कैसे करना है, होल प्रोसेस। क्लिकिंग ऑन द सीटी इंजीनियरिंग एडिटिंग फॉर्म पे आप जाइए, नीचे जाइए, स्क्रॉल कीजिए उनकी वेबसाइट पे जाइए, फिर वहाँ पे हेडिंग आती है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, फिर एंटर आपने उधर एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करना है। तो आपको एप्लीकेशन आईडी अपना वो पूछेगा आपसे, डेट ऑफ बर्थ पूछेगा और एक कोड पूछेगा, वो सामने दिख रहा होगा, उसको रीटाइप करना है आपने, फिर लॉग इन हो जाओगे। आफ्टर सबमिटिंग द अबाउट डिटेल्स एंड OTP विल बी सेंड टू रजिस्टर मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस ऑन द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। जब आप सबमिट कर दोगे ये सब डिटेल्स, एक OTP जाएगा आपको, जो आपने रजिस्टर मोबाइल नंबर आपने दिया होगा और ईमेल आईडी दिया होगा उस पे जाएगा, वो आपने कोड दोबारा से उसको फिलअप करना है। सबमिटेड OTP रिसीव्ड ऑन द मोबाइल ईमेल और क्लिक वेरीफाइड, देन क्लिक ऑन एडिट फॉर्म। उसके बाद जब आप OTP डाल दोगे वो एक वेरीफाई पूछेगा, वेरीफाई करने के लिए आप उसको जब क्लिक करोगे फिर उसमें वो पूछेगा एडिट फॉर्म, एडिट फॉर्म का आपका ऑप्शन आ जाएगा और ऑप्शन, ठीक है, उसको आपने क्लिक करना है और एंटर 10+2 मार्क्स, उसके बाद आपने उसको अपने मार्क्स डालने हैं। आफ्टर सबमिटिंग मार्क्स क्लिक अपलोड डॉक्यूमेंट टैब, और फिर उसके बाद अपलोड डॉक्यूमेंट टैब का भी ऑप्शन आ जाएगा, एंड अपलोड 12th मार्क्स कार्ड एंड टेक द प्रिंट आउट ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म फॉर द रिकॉर्ड। और जब उसमें अपलोड डॉक्यूमेंट का आएगा तो अपलोड अपने 10+2 की अपनी मार्क्स कार्ड अपलोड करनी है, आई थिंक वो देख लेना, आई थिंक PDF में करनी होती है, मे बी साइज उसका सेलेक्ट कर लेना, और फिर एंड में जब अपलोड कर लोगे तो उस एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट ले लेना, ठीक है। और टर्म्स कंडीशन बाकी जो भी थी वो पुरानी वो सेम रहेगी, उसमें कोई चेंज नहीं है। और ये अभी कई हार्डली हाफ एन आवर पहले का ये नोटिफिकेशन, और मैं अभी इस पे वीडियो बना के अपलोड कर रहा हूँ अपने चैनल पे। फ्रेंड्स, ये आज की मेरी दूसरी वीडियो है, ठीक है, काइंडली
थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। और जो लोग फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं, काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक कीजिए वीडियो को, शेयर कीजिए चैनल को अपने फ्रेंड्स के साथ। बाकी जो अपडेट्स हैं 10th पैरामेडिकल की, 12th पैरामेडिकल की, GNM की, BSc नर्सिंग की, BSc पैरामेडिकल की, MSc नर्सिंग की, आपकी नर्स पोस्ट BSc नर्सिंग की, सारी अपडेट्स आपको मिलती रहेंगी। साथ में ये इंजीनियरिंग की भी अपडेट्स आपको मिलती रहेगी। जो भी अपडेट आएगी बी फार्मेसी की अपडेट मैं आपके चैनल पे लाता रहूँगा, जो भी अपडेट निकलती है टाइम टू टाइम। और काइंडली और बाकी अपने फ्रेंड्स के साथ भी चैनल को शेयर कीजिए। बाकी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपने व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक, टेलीग्राम चैनल का लिंक और इंस्टा का लिंक शेयर किया, आप उधर भी मुझे फॉलो कर सकते हो। JK वैकेंसीज अपडेट करके मेरा इंस्टाग्राम आईडी है, मैं रिपीट कर देता हूँ, JK वैकेंसीज अपडेट करके मेरा इंस्टाग्राम आईडी है। तो थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।